प्रश्न लिया गया यार, टोटल 500 प्रश्न लिया गया, तो आप लोग सोच सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आज का होने वाला है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है, तो काशी युग आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किया गया था दयाराम सानी जी के द्वारा। एंड आप सभी के हर एक टॉपिक से यहाँ से प्रश्न लिया गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे, हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे, तो लोहा ऐसा एक धातु था जिससे हड़प्पा वासी अपरिचित थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था, तो मोहन जोदड़ो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, मोहन जोदड़ो में पाया गया था। अगला प्रश्न कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है था, तो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। हड़प्पा जो था वो सबसे पुराना शहरों में से एक है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 6 नंबर की, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, कालीबंगा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 7 नंबर कि कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है, कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो हनुमानगढ़ जिला हो जाएगा, हनुमानगढ़ आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व वाले जो काल है ना वो सबसे मान्यता प्राप्त कालों में से एक है। अगला प्रश्न कि भारत की आर्थिक राजधानी क्या है, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है, तो मुंबई सर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। मैं आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज की क्लास आप सभी के लिए रामबाण की तरह यूज होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए यार 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया, और आप लोग सोच सकते हैं कि हिस्ट्री से बनने वाला भी यहाँ से नहीं पूछेगा, तो यार आपके एग्जाम में कहाँ से प्रश्न पूछेगा, ये हिस्ट्री के सारे टॉप इम्पोर्टेंट एंड आप सभी के सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए जो कि आप सभी के RPF एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। चलिए 10 नंबर प्रश्न कि जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी, तो प्राकृत हो जाएगी। अगला प्रश्न है किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था, तो तोगन तिमूर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, मयूर सिंहासन की बात करते स्टूडेंट कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, तो शाहजहां आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, मयूर सिंहासन शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, एंड उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टैंड आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगला प्रश्न है कि शाहजहां की बेगम का क्या नाम था, शाहजहां की बेगम का क्या नाम था, तो मुमताज इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मयूर सिंहासन को बनवाने वाले कलाकार का क्या नाम था, मयूर सिंहासन तो शाहजहां ने बनवाया था लेकिन कलाकार का क्या नाम था, तो बादल खा हो जाएगा, बादल खा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया,
तो मुहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जो कि आसबी की योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है 16 नंबर कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, तो दौलताबाद हो जाएगा। दौलताबाद आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे। मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे, तो बर्नी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना किया, तो दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किया था। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा। इबन तूता इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना, तो ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिन स्टर्न ने माना था। अगला प्रश्न, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था। महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था, तो ब्रह्मचार्य सिद्धांत को जोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। यानी कि महावीर जी का जब निर्वाण हो गया तो जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था, तो शुद्धमान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं कि वैदिक काल में यौ किसे कहा जाता था। यौ, तो राइट आंसर हो जाएगा जौ को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 24 नंबर प्रश्न कर रहे कि दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था, लो बनवा नहीं यहाँ पर को बनवाया था, यानी कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर को किसने बनवाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा उसी का सोल्कियो ने बनवाया था। सोल्कियो इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 25 नंबर प्रश्न है, करें कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की। यार मैं आप सभी से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा। अगर आप सभी उस वर्दी के सपने को साकार करना चाहते हैं तो इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाला है। क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हिस्ट्री के वो सारे प्रश्न लिए गए हैं जहाँ से कि आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सिद्धार्थ। अगला प्रश्न कि आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था। जो आर्य थे जो कि मध्य एशिया से आए थे, तो जो आर्यों का जो प्रारंभिक जीवन था किस पर निर्भर करता था, तो पशु चरण पर ही इनका जो जीवन था वो निर्भर करता था। प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं तो, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 28 नंबर प्रश्न है, करें कि चित्रित धूसर मृतभांड का संबंध किस काल से है।
चित्रित मृत धूसर मृत भांड वैदिक सभ्यता से हो जाएगा, वैदिक सभ्यता इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसके मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया गया, तो महायान हो जाएगा, महायान इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ तो रेड सैंड स्टोन से पत्थर से, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ, सोलह सौ छह ईसा पूर्व में, ठीक है ना। अगला प्रश्न, हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका, तो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित नहीं कर सका था, किसको, पुलकेशिन द्वितीय को। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न कि ऋग्वेदी काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना था, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, ऋग्वेद में। ऋषभदेव का उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद में, और ऋग्वेद सबसे पुराने वेदों में से एक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद सबसे पुराने वेदों में से एक है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते, 37 नंबर है कि विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद का वणिक सभ्यता सैनिक कुलीन तंत्र है, किसके शासनकाल में 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तो नसारुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक से समकालीन थे, तो ग्यासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ग्यासुद्दीन तुगलक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन से जानवर निरूपित है, हाथी घोड़ा सांड एवं सिंह हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं, 43 नंबर प्रश्न है कि किसने सहिष्णुता उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी, अशोक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। अगला प्रश्न, अशोक ने कहा चोल पांडेय केरल पुत्र और सतीय पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है, तो शिलालेख द्वितीय में। अशोक के अभिलेख में किस एकमात्र पुत्र की चर्चा है, तो तीवर की, ठीक है ना, तीवर की। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस राजवंश का शासक था, तो तुगलक हो जाएगा। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा है, तीवर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है, तो मास्की में अशोक ने स्वयं को उल्लेख किया है, तो मास्की आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ही एक ऐसा था जिसने अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा था। और यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ 15 मिनट में 50 क्वेश्चन को कवर किए, और अभी तो हमारे पास बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपसे के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो सारे प्रश्नों को आप लोग कवर करके जाइएगा, ठीक है ना। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी, अशोक ने। आप सभी को ये नहीं कि यार कुछ भी काम करें, आप लोग देख सकते हैं यार, बस आप सभी को गौर से इस क्लास पर फोकस करना है, बस एक बार रिवीजन करना है 500 प्रश्नों का और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न है 52 नंबर कि मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? मुहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जल सा फैला दिया? तो फिरोज तुगलक ने। मराठा शक्ति का उदय 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। मराठा शक्ति का उदय 17वीं शताब्दी उत्तरार्ध में हुआ था। अगला प्रश्न आप सभी का कि किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? तो शिवाजी हो जाएगा। बाबर का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगाना में हुआ था बाबर का जन्म। ठीक है ना, बाबर का बेटा हुमायूं था। बाबर ने बात करें तो आपसी के पानीपत का प्रथम युद्ध, आपसी के चनहुदड़ो घाघरा, और बात किया जाए आपसी के खानवा का युद्ध लड़ा था जिसमें ये चारों युद्ध में विजय प्राप्त किया था। भारत पर 5 बार इसने आक्रमण भी किया था। ठीक है ना, अगला प्रश्न है बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया था। अगला प्रश्न है कि बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो 1526 में पानीपत का वही प्रथम युद्ध था। ठीक है ना, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1527 में राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था। किसके बीच? तो राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न कि बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो चंदेरी का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 1528 ईस्वी में लड़ी गई थी। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। अगला प्रश्न है घाघरा के युद्ध में बाबर ने किससे पराजित किया था? घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो मोहम्मद लोदी यानी कि इब्राहिम लोदी के भाई मोहम्मद लोदी को इसने पराजित किया था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 64 नंबर कि बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करते स्टैंड तो आप सभी के 1556 में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। अकबर जो था, ठीक है ना, इन्हीं के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 67 नंबर पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? पानीपत के द्वितीय युद्ध में बात करें तो अकबर की जीत हुई थी। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया? तो वैरम खां हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? पानीपत की दूसरी लड़ाई इसने जीता था और वहां पर शासन भी किया था। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु हो जाएंगे। वैशिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि उल्लूक कड़ाद हो जाएंगे। न्याय दर्शन के प्रतिपादन महर्षि गौतम ने किया था। अगला प्रश्न है कि संख्या दर्शन के प्रतिपादन कपिल मनु ने किया था, मुनि ने। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादन जैमिनी ने किया था। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने प्रथम ने। अगला प्रश्न है कि कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंड पेशमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदी वर्मम द्वितीय ने करवाया था।
राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राजवंशकूट के संस्थापक की बात करते हैं तो दंती दुर्ग हो जाएंगे। दंती दुर्ग आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? तो राष्ट्रकूट वंश के राजा हो जाएंगे। ये सारे जो राजा है ना वो राष्ट्रकूट वंश के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुई थी? तो मनकिर या मन्यत खेत। राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था? ध्रुव हो जाएगा। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नाटभट्ट द्वितीय को पराजित किया? गोविंद द्वितीय ने। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एंड टाइम बहुत कम है हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट लेकर चलेंगे कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय, महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एंटीफेटा गुफाओं का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना राजा जयसिंह, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? तो चालुक्य वंश हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 88 नंबर की व्यंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन, चोल वंश का संस्थापक विच्छयालय, चोल वंश की राजधानी कहाँ हुई थी? तो तंजावूर हो जाएगी। परांतक प्रथम राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग किस वंश के राजा थे? तो चोल वंश के हो जाएंगे। तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। चोल काल में किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को क्या कहते थे? तो शालाभोग कहते थे। अगला प्रश्न है कि चोल वंश का अंतिम राजा था राजेश द्वितीय, चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो कलजू। नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? तो चोल काल का। चलिए अगला प्रश्न है कि चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? तो विष्णु के उपासक की बात करें तो अलवार कहलाते थे। चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? नयनार कहलाते थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि पाल वंश की राजधानी कहाँ कहाँ हुआ करती थी? तो मंगोर में।